एमसी कोलकाता, दिल्ली के विदिन, एमसी उत्तराखंड, ध्यान सागर और टीएमसी हिमाचल प्रेजेंट ओडा विजडम में आप सभी का स्वागत। मास्टर्स, हम अनिरुद्धा मैम के साथ डेली मिलते हैं, मुदा दीदी के विजडम को ले रहे हैं, ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं और डेली डेली एक एक पैसम को जान रहे हैं। आइए वेलकम पे निरुद्धा मैम का, और जानते हैं आज 10th डे ऑफ आर उड़ा विजडम में एक नए पैसम के ज्ञान को। मैम वॉर्म वेलकम टू आर अनम्यूट। ओके मैम, वेलकम टू मैम, ये थैंक यू थैंक 10th डे ऑफ आर उड़ा देवी विजडम एंड येट अगेन एक्साइटिंग डे to gain lots and lots of energy today. ये हम बहुत वार्म वेलकम करते हैं अनिरुद्धा मैम का, कोटि कोटि आभार अभिनंदन मैम, ओवर टू यू। आज गोदा देवी का व्रत में 14th डे है। 14th डे में हम 9th गोपिका को उठा रहे, सो अभी भी 9 नंबर का इम्पोर्टेंस बोल रही गोदा देवी ने। कल हमने 13th गोपी बोले तो कल हमने 8th गोपिका को उठा लिया। सो आज का गोपिका में क्या क्या विशेषता है, अभी गोदा ने हमको वो ज्ञान देंगी। सो पहले हम गोदा को जाने से पहले हम हमारा गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह पत्रि जी को हमारा गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह पत्रि जी को और स्वर्णमाला पत्रि जी को और ये ड्रीम देने वाले भांडागार वंशी किरण जी को मेरा आत्म प्रणाम, कोटि कोटि आत्मा अभिवंदन और क्लास बोलने के लिए हनुमान को, सूर्य भगवान को बुलाएंगे, गोदा को एनर्जीज के लिए और पूरा गोलोक का वासी कृष्ण भगवान को और वृंदावन वासियों को, सब लोगों को अभी बुलाएंगे एनर्जीज के लिए और सूर्य भगवान को कोटि कोटि प्रणाम और अभी और हम सब लोग थैंक यू बोलेंगे क्योंकि हनुमान को उतना ज्ञान दिया, हनुमान को आके एक क्लास बोलने के लिए उसका ऊर्जा से हम अभी हनुमान को इनवाइट करेंगे। आज गोदा जी ने 9th गोपिका को उतारे। सो गोदा ने एक एक गोपिका को लेके ये व्रत करने के लिए सब सहेलियों को लेके जा रहे, सब सहेलियों को लेके जा रहे बोले तो क्या है, बोले तो ये सत्संग में सब लोग मिलके जाना, मिलके हम भगवान को पाना, मिलके हम मेडिटेशन करना बोल के उनो इनो हम सबको बोल रहे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोल रहे। यू नो पूरा डे और 16th पास्टम तक उन्होंने एक एक गोपिका को लेके ही जाती उन्होंने, सो उतना इम्पोर्टेंट है। सो आज का 9th गोपिका है, 9 नंबर क्या है, वो स्पिरिचुअलिटी नंबर है, भगवान का नंबर 9 है। अगर आप 9 को किसी भी संख्या तो जोड़े तो 9 नहीं दिखता, 9 + 4 = 13, 4 ही हो जाता, वैसा 9 + 5 = 14, 5 हो जाता। सो 9 इज नॉट देयर, जस्ट लाइक हमारे अंदर भगवान है मगर नहीं दिखता, मैं ही दिखता ना, अनिरुद्धा ही दिखता, मेरे अंदर भगवान दिखता क्या, नहीं दिखता, 9 नंबर का जैसा। इसीलिए 9 नंबर स्पिरिचुअल है क्योंकि
वो रहता मगर नहीं दिखता, ऐसे ही भगवान भी रहता मगर नहीं दिखता हम सबको, ये नेत्रों से नहीं दिखता, वही गोदाने बोल रहे। सो ये गोदा ये गोपिका गोदा जाके ये गोपिका को नयन गोपिका को उठारे बाहर जाके, अम्मा आप उठिए, अब अभी तक सो गए क्या, हम सब लोग कृष्णा को पाने के लिए जा रहे, सो आप श्रेष्ठ गोपिका है, आप पहले रह के हम सबको लेके जाना, आप अभी तक सोए हुए क्या, बोल के उन्होंने बोल रहे। सो उनको एक गुरुत्व बोल रहे, बोले तो उनको बोल रहे कि कुछ कुछ गुरुत्व बोल रहे कि बाहर अभी लाइट, बोले तो सूर्य सूर्योदय हो गया, मॉर्निंग हो गया, आप उठिए बोलने के लिए उन्होंने बोल रहे कि बाहर कलुवा नल्ला कलुवलु मीन्स लाइक द ब्लैक, वो उन्होंने क्या चिन्ह बोल रहे कि उदय हो गया, बोल तो ब्लैक फ्लावर्स वो ओपन हो गया बोल रहे, उन्होंने एल्ल कलवलु विकसिस्तुन्नाई, उन्होंने बोल रहे कि रात को क्या क्लोज होता वो क्लोज हो गया कहते फ्लावर्स, मॉर्निंग सनराइज से क्या ओपन होता वो ओपन हुआ कहते फ्लावर्स, क्योंकि अभी मॉर्निंग हो चुका, वो फूल ने विकसिंची बोले तो ऐसा ओपन हुआ फ्लावर ने, क्योंकि अभी अभी सनराइज हुआ बोल रहे, सनराइज सनसेट से वो फूल खिल चुके और वो फूल ऐसा क्लोज हो गया क्योंकि रात मॉर्निंग हो गए, सो ऐसा उन्हों बोल रहे, बोले तो मॉर्निंग हो गया, अब उनको उनको चिखन बोल रहे, वो फ्लावर वो फूल बंद हुआ, ये फूल खील उठे क्योंकि मॉर्निंग हुआ, बोल के उनको चिखन बोल रहे, मॉर्निंग का चिखन उठो बोल के। सो उन्होंने अंदर से ये गोपिका बोल रहे मुझे सोने दो ना, आप उतना क्यों जल्दी कर रहे, अभी तक नहीं हुआ मॉर्निंग, आप उतना जल्दी जल्दी क्यों, ऐसा हड़ावड़ी बोलते ना, जल्दी जल्दी क्यों मुझे उठा रहे बोल रहे, अंदर का गोपिका बोल रहे कि अभी तक नहीं हुआ मॉर्निंग, आप जल्दी जरा एक्साइटेड है आप सब लोग, सो एक्साइटेड से आप ऐसा जल्दी जल्दी कर रहे, मुझे सोने दो ना, क्यों आप उतना जल्दी कर रहे बोल रहे कहते इन अंदर से। सो उठो उठो आपका आपका ये वाटर का रहता ना, वाटर का कुए, उसको क्या बोलते बावी बोलते कुए, वो वाटर का जब ओल्डन डेज में वो अंदर का रहता कुए, सो वो अंदर का रहता वो उसमें फ्लावर्स उन्होंने बोल रहे, वो भी बोल रहे उसमें भी फ्लावर दिगुड़ बा उसमें भी फ्लावर्स ओपन क्लोज हुआ क्योंकि ओपन हुआ क्योंकि सनराइज है, वो खील उठे वो फ्लावर्स क्योंकि अभी सनराइज हो गया। एक दिन के पहले कहते इनो ये गोपिका बाहर बैठे कहते बाहर उनका घर के बाहर, बोलो तो पीछे घर के पीछे ऐसा रहता ना घर के पीछे, अच्छा वृंदावन का जैसा बहुत फ्लावर्स है उनका घर में, सो उधर बैठे कहते। सो कृष्ण आके पीछे से उन्होंने उनका आंखें बंद कर लिया कहते, सो उन्होंने प्ले कर रहे इसके साथ, वो बंद करके बोल रहे कहते कौन है बोलो बोल के उनके साथ दागुड़ मुतलु बोलते ऐसा हाइड करके खेलते ना, सो वो खेलने लगे कहते इनके साथ, सो उसका आंखें बंद करके बोलो कौन है चुप चुप के, सो चुप चुपाई बोलते ना उसको, वो उनके साथ
खेलने लगा कहते। सो आंडाल ने वैसा बावन कर रहे इनके साथ, उनका देखे तो आंडाल ने बोल रहे खाली इनो कृष्ण से ऐसा खेल रहे थे छुप छुप के, ऐसा कितना आपने आपने प्ले करे, बोले तो कितना गेम्स आपने प्ले करे बोल के उन्हों पूछ रहे, ऐसा भावना में उन्होंने भावना कर रहे, कौन आंडाल भावना कर रहे, ऐसा ब्लैक ब्लैक फ्लावर्स क्लोज हुआ बोले तो अभी अभी मॉर्निंग हो गया। सो इनका आइस कैसे कहते, इनका आइस ऐसा बड़ा 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 आइस ऐसा खेलने का बोले तो ऐसा रेड है कहते, उनका बहुत प्रेम है कहते उसमें, वो रेड बड़ा बड़ा आंखे वो लाल लाल आंखे और उसमें वात्सल्यमु बोल रहे, वात्सल्यमु उसको उसमें ऐसा प्रेम तत्व है कहते। सो इनको इनको ये कमल नयन प्यार भरा आइस, सो ये कमल नयन, कमल नयन बोले तो कौन है, कृष्ण है, ये कमल नयन आके उनको उसको वो गोपिका को कमल नयन देखे तो उसका भी आइस ऐसा ओपन हुआ कहते, उतना प्रेम है ये गोपिका से कृष्ण को। सो उनको बोल रहे आपको उतना प्रेम है आपका कृष्ण से, कृष्ण को पाने के लिए जाएंगे। सो इनका नेत्र कितना डार्क है कहते बोले तो उनको काजल लगा के ऐसा पूरा बड़ा कर दिया कहते इनका नेत्र, सो बड़ा बड़ा है कहते इनका नेत्र। सो इन्हें बोल रहे आपका नेत्र काजल का से जैसा उतना बड़ा है। सो अभी ये लोग दो वर्ग है ना, एक वर्ग आज का बोल रहे कहते राम, राम बेटर है नहीं तो सीता, सीता मैया कौन दोनों से हैंग हो गया, रीजॉइन करना पड़ेगा फिर। यस yes. तो बोल रहे कि सीता का नेत्र में स्वामी का भक्ति देख सकते, बोले तो कृष्ण का भक्ति राम का भक्ति सीता नेत्र में देख सकते बोल के ये लोग कंपेयर कर रहे, राम बेटर है सीता बेटर है। सो उन्होंने बोल रहे कि सीता का नेत्र बड़ा है राम से भी बड़ा है, उसमें राम का भक्ति देख सकते, सीता मैया का प्रेम देख सकते उनका आंखों में, सीता नहीं है तो रामायण ही नहीं है ऐसा बोल के कौन बोले, वाल्मीकि बोले कहते। सो चिक्कटी नल्लटी बोले तो ऐसा थिक ब्लैक आइस है कहते सीता मैया का, ये गोपिका को भी वैसे ही आइस बोल आइस वैसे ही आई बोल के उन्हों ऐसा कंपेयर सीता मैया से ये गोपिका को कंपेयर कर रहे क्योंकि उन्हों उतना श्रेष्ठ गोपिका है। तो इसको फिर बोल रहे कि मॉर्निंग हो गया उठिए बोल रहे, फिर बीच बीच में ये लोग ऐसा बातें करते उनके बारे में बोलते आप कितना सुंदर है कितना अच्छा आपका आंखें कितना अच्छा है आप कल कृष्ण से ऐसा प्ले करे हाइड एंड सीक आप कितना ये पूरा बोल बोल के फिर बीच बीच में आप उठिए ना प्लीज उठिए हम सब लोग मिलके जाएंगे बोल के उन्हों याद दिला रहे वो गोपिका को। सो कितना अच्छा है देखिए हम भी किसी को भी
मेडिटेशन के लिए मनाना बोले तो ऐसे ही मनाएंगे हम, हल्लू से, प्यार से, ऐसा बोल बोल के, आप कितना अच्छा है, आप कितना जन्मों से कर रहे हैं, अभी स्टार्ट करके देखिए आप जल्दी जा सकते हैं, वैसा हम स्लोली 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 बोलेंगे। वो यही हम सबको इधर क्या दे रहे हो, यही हम सबको टीचिंग कर रहे हैं कि गोदा आप सज्जन संगते के लिए किसी को लेके जाना बोले तो उसको मना लीजिए, उसको प्रेज करिए, उनका ज्ञान उसको दिखा दीजिए, उसका सुंदरता उसको सुंदरता में उन्होंने ज्ञान बोले, ये बाह्य का सुंदर नहीं है, उसका ज्ञान बोले तो आंखें बड़े है तो उसमें उस उन्होंने ज्ञानी है कते पूर्व जन्म में पिछले जन्म में अगर आप ज्ञानी है तो बड़ा बड़ा आंकों से पैदा होते कते, ये गोदा ने बोला। ऐसा बड़ा हेयर है तो क्या है, बड़ा अंक है तो क्या है, ये पूरा यूनो गोपिकास को देख के हम सबको वो ज्ञान दे रहे कि क्या है बोल के, अगर हम ऐसा पैदा हुआ तो पिछले क्या किया। तो अभी ये काशाय वस्त्र डाल के वो प्रीस्ट आलय के अंदर जा रहे, बोले तो मॉर्निंग हो गया ना, आलय के अंदर जा रहे। सो उन्होंने बोल रहे वो अतिव रेणु बोल रहे निकाल रहे वो डोर के ऊपर बोल तो लॉक, अतिव रेणु बोलते कहते ये लॉक को टेम्पल का लॉक को, उसको निकाल के काशाय वस्त्र का पूरा पंडित अंदर जा रहा टेम्पल के अंदर बोले तो मॉर्निंग हम भी जाके कृष्ण को पाना बोल के इन्हों बोल रहे ऐसा। सो ऐसा वाइट टीथ है कहते वो लोगों को, वो पंडित को, वो सब लोग आलय के अंदर जा रहे ना, वो सब लोगों को ऐसा वाइट टीथ परफेक्ट लाइन है कहते। तो उसके लिए क्या बोले लास्ट एक पाश्रम में बोले उन्होंने ऐसा वाइट टीथ एक गोपिका को था, मीन्स उन्होंने सात्विक आहार लेती कहते, उन्होंने अच्छा आहार लेती कहते, किसी कभी टीथ देख के बोल सकते कहते उन्होंने अच्छा आहार परफेक्ट आहार ले रहे बोल के इधर भी वो ये बोल रहे। ऑल्सो इधर क्या बोल रहे और वो लोग मितभाषी है, वो लोग ओनली अगर होना बोले तो ही बात करते, नहीं तो नहीं बात करते, क्योंकि बात नहीं करे तो हम काम से रहे तो हमारे अंदर शक्ति और बढ़ते तो अननेसरली बोले तो मितभाषी रहना बोल के इधर हमको अन डालने बोल रहे सबको, मीन्स ये लोग मितभाषी है कहते। सो सात्विक आहार लेते और ये सात्विक संभाषण करते, मित संभाषण और सात्विक बोले तो अच्छा बात ही बात करते, सद्दन संगति रहते अच्छा बात ही बात करते, नेगेटिव बात नहीं करते बोल रहे इधर। इसीलिए वो लोग ऐसा अच्छा टीथ का वाइट टीथ अच्छा टीथ है बोले तो उसका वो उन्हों मितभाषी वैसा बोल रहे उन्हों। सो ये सब लोग आलय को जा रहे बोले तो ये सब लोग टेम्पल को जा रहे, अम्मा ये गोपिका आप उठिए बोल के फिर उनको उठा रहे, हम सब लोग मिलके जाएंगे बोल के कम हाँ कल हम सब लोग सोचे ना, आज आप ऐसे सो गए तो कैसा, आप आए तो हम सब लोग मिलके जाएंगे, आप आगे रहना क्योंकि आप कृष्ण को बहुत प्रिय है। उन्होंने बोले कहते अभी तक मॉर्निंग नहीं हुआ आप सब लोग सो जाइए, क्यों मुझे ऐसा जल्दी जल्दी उठा रहे, मेरा नींद क्यों खराब कर रहे बोल रहे कहते अंदर से ये गोपिका, आप अच्छा पूरा आंखों से फुल भर के ऐसा भर के आप सो जाइए बोल रहे ये गोपिका अंदर से, आप अच्छा सो जाए क्यों इतना इतना मॉर्निंग उठ के हमको क्यों उठा रहे, अभी तक मॉर्निंग नहीं हुआ बोल रहे अंदर से उन्हों, क्योंकि उनको सो जाना चाहती हूँ। सो इन्हों बोल रहे कते अच्छा से सो जाइए, मैं आके आपको उठाती हूँ ना, अगर अगर मॉर्निंग हुआ तो मैं ही आके आप सबको उठाती हूँ, आप अच्छा दिल खोल के फुल आंखों का
आंखों में अच्छा फुलबुल भर के आप अच्छा सो जाइए बोल के उन्हों वो गोपिका बोल रहे, उन्हों बोल रहे इनो हमारा गोदा बोल रहे आप क्या है आपका आपका सिग्गू बोले तो आपको शर्म है क्या, आप इतना भक्ति से आप सो गए, आप उठने का नाम ही नहीं नहीं लेते, आप उतना लज्जा लज्जा बिडियम बोलते ना, आपको शर्म नहीं है क्या, उतना सो के हम सबको भी सोने के लिए बोल रहे हम, मुझे मालूम आपने भक्ति से सो गए मुझे मालूम, फिर भी देखिए उन्होंने बोल रहे ऐसा शर्म नहीं है बोल रहे, फिर भी आप भक्ति से सो गए बोल रहे, उन्होंने ऐसा डांट रहे नहीं भी डांट रहे, उनको प्रेज भी कर रहे और बोल रहे उन्होंने शंख चक्र लेने वाले ये स्वामी और नेत्र का बाहुबलम विशालमेन बाहुबलम ऐसा ऐसा आजान बाहु स्वामी कैसे रहते, शंख चक्र रहता और आजान बाहु रहता, बड़ा बड़ा आंखें रहता, ये सब का स्वामी सौंदर्य बहुत सौंदर्य से रहने वाले ये स्वामी अभी अभी टेम्पल में है, सब लोग उठ के स्वामी को उठा रहे नहीं, मॉर्निंग क्या करते सुप्रभात करते, सो यो ये स्वामी को उठा रहे, हम जल्दी जाके स्वामी को पाना, स्वामी का व्रत करना, उठिए बोल के उसको ये गोपिका को नाइन्थ गोपिका को उठा के लेके जा रहे। सो इसमें क्या बोल रहे ये नाइन्थ पाश्रम में ये स्पिरिचुअल का पाश्रम में क्या बोल रहे, क्या बोल रहे कि हम सब लोग भक्ति का ही, अगर हम सो गए तो भक्ति से सोना, स्पिरिचुअलिटी में सोना, मेडिटेशन में सोना, आध्यात्मिक स्लीप बोल रहे उन्होंने। सो ये आध्यात्मिक स्लीप में हम सब लोग क्या करना कैसे करना, उनको बोले बड़ा बड़ा नेत्र है तो ये भक्ति का चिन्ह है, ये ज्ञान का चिन्ह है बोल रहे, और सीता मैया राम से बड़ा है क्योंकि उन्होंने ये तो रामायण नहीं है बोल रहे, ऐसा वुमेन को उतना हाई प्रेफरेंस दिया उन्होंने। एंड ऑल्सो कभी भी हम सात्विक आहार लेना और सात्विक बातें करना ये भी बोल रहे हम, और बोल रहे हम जब भी ऐसा अच्छा से सो गए तो ये शंख चक्र गदाधरी उसको हम सब लोग मनन करना, उसके साथ ही सो जाना। सो ये मेडिटेशन में भी बोलते ना आप जरा हल्लू से बोले तो ऐसा थोड़ा सो के उठ के ऐसा लाइट स्लीप करना, मेडिटेशन का स्लीप करना बोल के आज भी अम्मा भी गोदा अम्मा भी वही बोल रहे कि सबको मना के सज्जन संगत की लेके जाइए और थोड़ा हल्लू से भक्ति से सो जाइए, डीप स्लीप में मत जाइए बोल रहे उन्होंने, और मॉर्निंग उठ के फिर हम सब लोग वही भक्ति में स्वामी का भक्ति में रहना, इवनिंग मॉर्निंग कभी भी यही मेडिटेशन, अगर आपका आंखें ओपन है घर में पूरा खाना पका रहे, बच्चों को स्कूल को लेके जा रहे, वो भी आध्यात्मिक भक्ति से करिए, कैसे कर सकते वो कृष्ण कन्हैया के लिए आप फूड प्रिपेयर करिए, कृष्ण कन्हैया को आप स्कूल को लेके जाइए, सो पूरा स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन में ही रह के ये सब भी करना, ये आध्यात्मिकता बोले तो संसार में निर्वाण इसमें रहना, खलुआ का जैसा ये तामरा पुष्प कैसे रहता, एक एक डर्टी वाटर में रहता वो, मगर वो वाटर वो नहीं लेती, इसीलिए कमल पुष्प को भगवान ने उनके ऊपर उन्होंने बैठते कमल के ऊपर, क्योंकि वो कीचड़ पूरा गंदा पानी तामर पुष्प पे नहीं आता। हम सब लोग भी ये संसार में कुछ भी नेगेटिव नहीं लेके पॉजिटिव ही लेके हम सब लोग निर्वाण में रहना ऐसा
कल भी बोले ना उनो उनो योगिनी उनो सर्प का जैसा हम सब लोग वैराग्य में रहना, संसार में रहना, सब कुछ पाना, सब कुछ एंजॉय करना, मगर वैराग्य में रहना, ऐसा हम सब लोग मेडिटेशन से सीखेंगे और गोदा से सीखेंगे संसार में निर्वाण कैसे रहना रहे, ये वही बोल रहे संसार करना मगर उसको मत टच कर, ये बोल रहे हैं उसको उससे अलग रहना। सो आज का मेडिटेशन में हम अच्छा कृष्ण का एनर्जी ले लेंगे फ्रेंड्स। एवरीबडी क्लोज योर आईज, थोड़ा फेस को ऊपर रखिए, रिलैक्स रखिए लेग्स हैंड्स, पूरा बॉडी को रिलैक्स रखिए। आज हम हमारा अंदर का हार्ट बीट सुनेंगे, हमारा लव चक्रा को सुनेंगे, क्योंकि गोदा ने प्रेम से कृष्ण को पाने के लिए बोल रहे, प्रेम से हम सब लोग वृंदावन में कृष्ण के साथ रहना। सो थोड़ी देर हम हार्ट चक्रा का हार्ट का बीट सुनेंगे उच्छ्वास निच्छ्वास के साथ, आनापाना सती के साथ सुन के हम कृष्ण के साथ राजलीला रचाएंगे। तो प्रेम से रचा सकते, प्रेम से हम सुंदर साथ से हम कृष्ण के साथ गाना गा सकते, डांस कर सकते, आत्मा डांस सोल डांस कर सकते, हम सोल से नृत्य करेंगे, मगर पहले हम ये हार्ट बीट सुनेंगे। आप बहुत रिलैक्स रखिए बॉडी, आप कितना रिलैक्स रखते माइंड को भी उतना आप हार्ट बीट सुन सकते और श्वास को भी उधर ऑब्जर्व कर सकते हैं, अनाहत चक्र में इन बिटवीन द चेस्ट, इधर सेंटर में हार्ट का बीट सुनिए और अनाहत चक्र को ओपन करके फिर कृष्ण के साथ हम नाच नचाएंगे, डांस करेंगे।
प्रेम से सुनिए हार्टबीट को, प्रेम से उच्छ्वास निच्छ्वास अनाथ चक्र में रखिए, पूरा देह प्रेम से, माइंड को प्रेम से रिलैक्स करिए। हमारा सलसल में प्रेम रहना, अभी हम अनाथ चक्र के साथ प्रेम से नाचेंगे गाएंगे, कृष्ण के साथ, गोपिका के साथ, गोदा के साथ। सकते हम क्योंकि ये आत्म से हम नाच रहे, तो आप ये शरीर का कुछ भी चिंता मत करिए, डांस करिए। कितना हम एक गोपिका बन गए, अभी हम पुरुष शरीर में है तो भी आत्मा का
कुछ भी नहीं रहता स्त्री पुरुष बोल के। अब अच्छा से नाचिए, कितना नाच सके तो उतना नाचिए, कृष्ण के साथ, गोपिका के साथ, गोदा के साथ, सब लोग मिलके नाचेंगे गाएंगे। अच्छा से हंसिए, हैप्पी से करेंगे हम सब लोग, स्माइल से डांस करेंगे। गोदा को एनर्जी लेके नृत्य करेंगे हम, गोपिका से एनर्जी से नृत्य करेंगे हम, कृष्ण के साथ नृत्य करेंगे हम।